कोहरे और शीतलहर के कारण झारखंड में ठंड जानलेवा हो गई है। रांची से सटे कांके में पारा 6 तो मैक्लूस्कीगंज में 4 डिग्री पहुंच गया है। मैक्लूस्कीगंज सबसे ठंडा रहा। राजधानी रांची का न्यूनतम पारा भी 8 डिग्री के नीचे चला गया है। शीतलहरी ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। सड़कों पर सामान्य के मुकाबले कम लोग दिख रहे हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर भी कम हो गए हैं। सुबह और शाम में सर्दी ज्यादा सितमगर साबित हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं है। और चलिए सहयोगी दीपक हमारे साथ। सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और जो हालात है, जो पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक अगले आने वाले कुछ दिनों में इससे राहत नहीं मिलने वाली। ठंड का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस ठंड में कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे दिन और रात बिताने को परेशानी सबसे अधिक बढ़ गई है। और राजधानी रांची का जो न्यूनतम पारा है वो 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से ठंड पड़ रही होगी। इसका अंदाज़ा सभी सहज ही लगा सकते हैं और लोग इसका महसूस भी कर रहे हैं। रोजाना का जो दिनचर्या है वो भी लोगों का बदलाव हो गया है। जो मॉर्निंग वॉकर जो सुबह अहले सुबह 5 से 6 बजे मैदान पहुँच जाते थे, मुराबादी मैदान में मॉर्निंग वॉक करते थे, वो भी उसका जो समय सारणी है वो भी विलम्ब हो चला है। 8-8:30 बजे तक मैदान में भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, जबकि वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच वो सड़कों पर पहुंच जाते थे, मैदान में पहुंच जाते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। खास तौर पर अगर परेशानी की बात करें तो वैसे लोग जिनके पास या तो गर्म कपड़ा नहीं हो पाता है अब लगन, या फिर जो अलाव की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर मजदूर वर्ग के लोग, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग जो होते हैं वो अहले सुबह यानी कि 5 से 6 बजे शहर पहुँच जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। जिस वक्त लोग सुबह बिस्तर नहीं छोड़ पाते उस वक्त वो सड़कों पर पहुँच जाते हैं रोजगार के लिए। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी सुबह सुबह का समय है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर रोजगार के लिए पहुँचे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके तन पर जो गर्म कपड़ा होना चाहिए वो भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि ठंड के बीच जो परेशानी हो रही है उस बीच रोजगार के भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसको लेकर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं ताकि इन्हें काम मिल जाएगा तो कम से कम रोजगार घर परिवार चल पाएगा। तो कई तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, खास तौर पे वैसे लोग जो अगर वहाँ जो मजदूर खड़े हैं जिनके सर पर छत नहीं, अगर उनसे बात हो पाए कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल पाई हो, चाहे वो कंबल की बात हो या फिर रात में अलाव की व्यवस्था की हो, जरा उनसे बात कर पाए तो पता चल पाए कि क्या उन्हें इस शीतलहरी में कुछ मदद मिल पाई है क्या। बिल्कुल, लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, आप लोग कितना सुबह घर से निकलते हैं काम के लिए? कितना सुबह घर से काम के लिए निकलते? 7:30 बजे 7:30 बजे निकलते हैं। कहाँ से आए हैं? गदवा। तो ठंड इतना बढ़ रहा है, किस तरह से परेशानी होता है घर में जल्दी खाना बना करके काम के लिए निकलना? बच्चा सबको खिलाने पिलाने के लिए आते हैं, 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हमको दिख रहा है जिसके अभी ठंड में जो गर्म कपड़ा होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाया है। गरीब आदमी है इसलिए नहीं गर्म कपड़ा खरीदने सक रहे हैं। कंबल उम्बल बांटता है वो सब मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। अलाव उलाव का कोई व्यवस्था नहीं? कंबल उम्बल तो बांटता है प्रशासन के स्तर पर, नगर निगम तो नहीं बांटा है, नहीं मिला है हम लोग का। आपको बाबा इतना उम्र हो गया काम के लिए, कुछ नहीं मिलता है? ठंडा में क्या क्या परेशानी हो रहा है? सोभी परेशान है, कपड़े चाहिए रखे कपड़े सुतीला भूया ने। अच्छा, काम के लिए रोज आते हैं तो काम मिलता है रोज? मिलता नहीं, मिलता है नहीं मिलता है। हफ्ता में क्या दिन मिलता है? ये को दिन करते हैं, काम नहीं मिलता तो फिर वापस चल जाता। हाँ, ये रोजी रोजगार के लिए पर डे सुबह पहुंच जाते हैं 7 बजे आसपास तक इस सड़कों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिल पाता है, तो समझ सकते हैं किस तरह की परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा होगा। और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना बजे निकलते हैं? 6:30 बजे तक।
6:30 बजे यहाँ हाजिर हो जाते हैं। तो कितना बजे उठते हैं आप लोग? हम लोग 4:30 बजे अपना खाना पीना पका के खा के तब निकल जाते हैं। काम मिलता है रोज? काम डेली नहीं मिलता है, मिलता है तो 2 दिन में 4 दिन एक दिन। कंबल जो बांटता है वो सब? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला है। सरकार के जिला प्रशासन के स्तर से, नगर निगम के स्तर से जो कंबल का भी वितरण किया जाता है वो कंबल भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही होगी। जी आरती, बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि देखिए, अब लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि ठंड अचानक से बढ़ी और शीतलहरी का प्रकोप देख रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान काफी हद तक नीचे चला गया है, तो क्या रात में अलाव वगैरह की व्यवस्था की जा रही है दीपक? ठंड से बचाव के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बस यही जो दिख रहा है वही है, एक घर से छोटा मोटा फटल टूटल लाए हैं, जो कम्बल उम्बल गुदड़ी उदड़ी जो भी। अच्छा, अलाव का इस्तेमाल करते हो तो ठंड में तापने वाला? लकड़ी का, लकड़ी तो थोड़ा बहुत काम करते हैं और बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं ठंड में, गिन कठुआल रहते हैं। सरकार ने क्या होता हुआ घर में, उन लोग को ठंड से बचाव के लिए क्या उपाय करते हैं? लेवरा लुगा वहाँ सीएल है, उसी से बचता है वो लोग, और यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ टाइगर हिल में। रहने वाले कहाँ के? रहने वाला शीशे भर लो, गाँव का नाम परवल। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग है कि रोजाना आना जाना दूर से करता हुआ घर से? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, रेंट लेके यहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूर दराज से रोजगार के लिए यहाँ पहुँचते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान पर यहाँ रहते हैं और इस बीच इन लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता है रोजाना, तो वैसे में इस ठंड के बीच रोजगार की भी परेशानी इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस ठंड में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर स्कूली बच्चे जो कि रोजाना स्कूल जाने का काम करते हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानी हो रही है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा अभी कक्षा 5 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल को बंद कर दिया है, लेकिन 5 साल से ऊपर, 5 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना पड़ रहा है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। और स्टेशन पर कल हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से पहुँचे थे और वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश या देर रात हो जाने की वजह से, तो वो भी स्टेशन के बाहर सड़कों पर ही किसी एक छोटा पतला कंबल के सहारे अपना रात गुजारने को मजबूर हुए थे। तो ऐसे में कई तरह की लोगों को परेशानी हो रही है आपकी। सुनिए, परेशानी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच देखिए उम्मीद जरूर है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें रिक्शा चालकों को और जो जिनके सिर पर छत नहीं है, जिनका आशियाना नहीं है, सड़क किनारे फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, तो अब ये जरूरत है कि प्रशासन जो रात में अगर टीम निकलती है तो अलाव की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर कंबल इन गरीबों के बीच दिया जा रहा है कि नहीं, ये प्रशासन को अब देखना जरूरी होगा क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।